हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र टीईटी 2023 के बारे में। महाराष्ट्र टीईटी का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये महाराष्ट्र स्टेट का गाइस एंट्रेंस एग्जाम है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का। एग्जाम कंडक्ट करवाया था महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल के थ्रू। इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन उन्होंने रिलीज किया था, एग्जाम ऑफलाइन उन्होंने कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अब गाइस इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, उसके पहले आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जो महाराष्ट्र टीईटी महा टीईटी का एग्जाम होता है, इसमें गाइस दो पेपर रहते हैं कंप्लीटली, दो अलग अलग क्लास है, पेपर वन पेपर टू। अगर आपको एज अ टीचर रिक्रूट होना है फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ, तो आपको पेपर वन के लिए अप्लाई करना होगा। एंड इनकेस अगर आपको एज अ टीचर रिक्रूट होना है फ्रॉम क्लास सिक्स टू एट, तो उसके लिए आपको पेपर टू के लिए गाइस यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल में जाना शुरू करते हैं। लाइक डेट्स की बात करें तो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी ने आप लोगों की जो डेट्स अनाउंस नहीं की है, जैसे डेट्स अनाउंस होगी हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, आप लोगों को हर एक इवेंट की डेट्स एक्सप्लेन करके बता दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। सो गाइस, आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते हैं, तो गाइस आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। मे बी आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट ना हो। क्या करना होगा यहाँ पे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो वो भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, उन्हें कोई आइडिया नहीं होता किस तरह से एप्लीकेशन फिल करना है, क्या डॉक्यूमेंट किस तरह से प्रिस्क्राइब साइज फॉर्म स्कैन करके अपलोड करना है। जिस किसी भी तरह से कोशिश करते हैं उनका एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है बरोबर फिल नहीं करने के कारण। तो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा करना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में गाइस आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। फ्रॉम स्टेप वन आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आप लोगों को पे करके बताया जाएगा। सो मेक श्योर कर लीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ताकि आपको कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। बात कीजिए एप्लीकेशन फीस की, तो गाइस ओबीसी एसबीसी ओपन वीजेएनटी के लिए गाइस यहाँ पे आप लोगों का पेपर वन या फिर खाली पेपर टू, दोनों में से कोई भी एक पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते तो 500 है, या फिर दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 800 रुपीज रहेगी। एससी एसटी डिफरेंशली एबल पर्सन के लिए यहाँ पे कोई भी एक पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो पेपर वन हो या पेपर टू, तो 250 या दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 400 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगी। अब गाइस बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि अगर इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना कंपलसरी मैंडेटरी है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आप लोग जो है भारतीय नागरिक रहने चाहिए, उसी के साथ आपके पास डोमेसाइल सर्टिफिकेट रहनी चाहिए महाराष्ट्र स्टेट का, अगर आप लोगों को बेनिफिट उठाना है सीट मैट्रिक्स में, क्योंकि डोमेसाइल सर्टिफिकेट रहेगा महाराष्ट्र स्टेट का तो आपका सीट मैट्रिक्स में आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा। मिनिमम 45% रहनी चाहिए आपके यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी में, कोई भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। और पेपर टू की बात की जाए तो पेपर टू के लिए आपके 60% मार्क्स रहने चाहिए ग्रेजुएशन में, साथ ही साथ आपका 4 इयर्स बैचलर ऑफ ट्रेनिंग के लिए आप लोग जो है यहाँ पे अप्लाई किए हुए रहने चाहिए, मीन्स अपियरिंग कैंडिडेट्स रहने चाहिए आप, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। या फिर आप पास आउट रहने चाहिए या फिर अपियरिंग कैंडिडेट रहेंगे अगर 2 ईयर डिप्लोमा इन टीचिंग, तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। फिर जो यहाँ पे रूल्स है, यहाँ पे रूल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आप लोगों को जो यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब गाइस नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की, तो सबसे पहले बता दूं जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, जो भी ऑप्शन सही लगे वो एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ड्यूरेशन 2 hours 30 minutes का रहेगा, 2 घंटे 30 मिनट पूरा पेपर कंप्लीट करना है, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपका अलॉट नहीं किया जाएगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पे नहीं रहने वाली है। पेपर वन जो रहेगा उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, लैंग्वेज वन यानी कि इंग्लिश हिंदी गुजराती पंजाबी सिंधी उर्दू, लैंग्वेज टू अगेन इंग्लिश हिंदी गुजराती पंजाबी सिंधी उर्दू, फिर मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज, सारे सब्जेक्ट में से 30-30 questions रिस्पेक्टिवली पूछे जाएंगे फॉर 30-30 marks, विच मीन्स 150 questions फॉर 150 marks। पेपर टू की बात किया तो अगेन यहाँ पे आप लोगों को बस चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगा, देन आपको लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू लैंग्वेज थ्री रहेगी, और इसमें से आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू 30-30 questions फॉर 30 marks, और लास्टली आपको 60 questions फॉर 60 marks रहेगा। यहाँ पे भी आपको 150 questions फॉर 150 marks ही रहेगा पेपर टू भी। अब गैस अगर आपको इसका सिलेबस चाहिए तो सिलेबस तो इसका काफी वास्ट है, तो डिटेल सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने जो है सिलेबस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सिंपल डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करना, आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा, वहां से आप कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम एडमिट कार्ड की, तो गाइस एडमिट कार्ड में आपकी बेसिक सी डिटेल्स रहती है लाइक फोटोग्राफ सिग्नेचर सब्जेक्ट्स टाइमिंग एग्जाम के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कब एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, किस तरह से डाउनलोड करना, और वो अप्लाई नहीं कर पाते। तो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा करना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होगा हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को लाइव एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताया जाएगा।
सेम प्रोसेस फॉलो करना, आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। सेम एज इट इज फॉर आंसर की रिजल्ट काउंसलिंग, हर एक इवेंट हम आपको लाइव परफॉर्म करके बताएंगे। सो गाइस नाउ आई होप अभी आप लोगों को जो महाटीईटी महाराष्ट्र टीईटी 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।